हेलो एवरीवन, आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.6। और 3.6 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जो आपका चैप्टर है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट इसमें क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इसमें फंक्शंस को, जो इक्वेशंस गिवन है आपको, उन सारे इक्वेशंस को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गिवन है, हमें इसे पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। उसे रिड्यूस करने के बाद फिर उसे हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद फिर बाद में हमें जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है उस वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बस एक बात याद रखेंगे, बच्चे कुछ इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को देख कर डर जाते हैं, उनको लगता है डिफिकल्ट है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो छोटे से कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा, देन इजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करें, आपको सारी बातें बहुत सिंपल वे में समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक है। अगर क्लास 10th के इसी तरीके से जो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, आपको अपलोड किया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचती रहे, ठीक है। और वीडियो को आप अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। शेयर करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6, ओके। तो एक्सरसाइज 3.6 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट के 8 पार्ट्स है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इतनी बातें, मतलब जो भी आपका वहां पर इक्वेशंस गिवन है, पेयर इक्वेशंस ये गिवन है, ठीक है ना, तो ये इसे रिड्यूस करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन में। अभी ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इस बात को ध्यान समझे। हमने पीछे क्या पढ़ाया लीनियर इक्वेशन के बारे में, अगर हमारा एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू जीरो होता है तो ये हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब एक बात को समझेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल एक्स और वाई हमारा क्या है, प्रॉपर प्लेस पे, बट मैं इसे ऐसे कर दूं, ए अपॉन में एक्स कर दूं, प्लस में बी अपॉन में वाई कर दूं, या प्लस में सी इक्वल टू जीरो, अब ये हमारा क्या है, नॉट लीनियर इक्वेशन। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज हमें पढ़ने हैं, इसी को रिड्यूस कर कर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में लाना है। बट एक बात समझो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्स अपॉन में ए कर दूँ, प्लस में वाई अपॉन में बी कर दूँ, प्लस में सी इक्वल टू जीरो, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। हमने क्या बोला, जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा प्रॉपर प्लेस पहुंचे, न्यूमेटर प्लेस पहुंचना चाहिए, ये कहाँ पे आ गया, हमारा डिनोमेटर प्लेस पे आ गया, यहाँ पे वेरिएबल्स, इसलिए ये हमारा नॉट लीनियर इक्वेशन था। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, कि हमारा जो वेरिएबल है एक्स और वाई, जो हमारा वेरिएबल है हमारा क्या, न्यूमेटर प्लेस पे है, ए बी तो हमारा क्या, कॉन्स्टेंट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर एक्स अपॉन में टू गिवन है, प्लस में वाई अपॉन में टू या प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो गिवन है, ठीक है ना, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है, टू आएगा, ये एक्स हो जाएगा, प्लस में वाई हो जाएगा, एलसीएम लेने पे यहाँ पे कितना आएगा, प्लस में सिक्स इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस में सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। बट अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर दे, इसी सेम क्वेश्चन को अगर ऐसे कर देते आप कि टू ऊपर कर दें, एक्स नीचे कर दें, फिर प्लस में ये टू ऊपर वाई नीचे, फिर प्लस में ये थ्री इक्वल टू जीरो, अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नॉट लीनियर इक्वेशन, नॉट लीनियर इक्वेशन, ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल हमारे जो है वो कहाँ पे आ गया, डिनोमेटर प्लेस पे आ गया, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना आता है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन कब होता है, जब इस फॉर्म पे होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें, वन अपन में टू एक्स, एक्स और वाई हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई हमारा आ गया डिनोमेटर प्लेस पे आ गया, मतलब ये हुआ मीनिंग देयर वाइज कि हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करना है। अच्छा एक बात देखें, यहाँ पे ये वन बाई टू एक्स है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, वन बाई टू इंटू में वन बाई एक्स, वन इंटू वन कितना वन हो जाएगा, टू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स हो जाएगा। सिमिलरली वन बाई थ्री वाई है, तो वन बाई थ्री इंटू में वन बाई वाई कर दिया, इक्वल टू में टू कर दिया। वन बाई थ्री एक्स है, तो वन बाई थ्री इंटू में वन बाई एक्स कर दिया, वन बाई टू वाई को वन बाई टू इंटू में वन बाई वाई कर दिया, इक्वल टू में 13/6। अब इसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है ना, किसमें, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना, जो वेरिएबल है हमारा वन बाई एक्स यहाँ भी है, वन बाई एक्स दोनों एक इक्वल है, वन बाई वाई यहाँ भी है, वन बाई वाई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वन बाई एक्स को हमने मान लिया यू, और इस वन बाई वाई को हमने मान लिया वी, मर्जी आपकी है, कुछ भी मान सकते हैं आप, वन बाई एक्स को आप मान ले पी, वन बाई वाई को मान ले क्यू, ठीक है ना, या आप मान ले वन बाई एक्स को ए स्मॉल ए, वन बाई वाई को मान ले स्मॉल वी, डिपेंड आप पे करता है, जो मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है ना।
बट यहाँ पे हमने 1/x को मान लिया u और 1/y को हमने मान लिया v। अब देखिए यहाँ पे 1/2 था तो ये 1/2 है, ठीक है, और 1/x को आपने क्या माना u, तो क्या 1/2u हो गया, ठीक है। फिर प्लस 1/3 है तो 1/3 है। अब 1/y को आपने v माना तो यहाँ पे v हो गया, इक्वल टू में 2, इक्वल टू में ये 2 हो गया, ठीक है, इतनी बात है। अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे आप, इस वाले में क्या था, 1/3, 1/3 इंटू 1/x, तो 1/3, और 1/x हमारा क्या u है, फिर प्लस 1/2, और 1/y की वैल्यू कितनी है, v, तो यहाँ v हो गया 13/6, ठीक है। इसके एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3u, यहाँ पे कितना आएगा 2v, ठीक है, अपॉन में 6 है, इक्वल टू में क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u प्लस में 2v इक्वल टू में कितना 12 हो गया, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीजें, तो बेसिक आपको आता ही होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे कितना 2u होगा, यहाँ पे 3v हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये 6, ये 6 कैंसिल हो गया, तो 2u प्लस में 3v इक्वल टू में 13। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इस क्वेश्चन को आपकी मर्जी जैसे करना चाहते हैं वैसे करते हैं, ठीक है ना। आपने 3 मेथड्स पढ़ रखे हैं, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। ये 3 मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं, उन तीनों में से जो आपको सिंपल लगता है उसको फॉलो कर कर इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मेन तो आपको ये समझना था कि इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस में कैसे रिड्यूस करें। तो हमें देख लिया ना कि 1/x, 1/x यहाँ तो उसको यू मान लिया, 1/y को हमने वी मान लिया। बात समझ में आ रही है। अब ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसके बाद हमने क्या लिखा, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लेने के बाद ये हमने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिखा, इस 2v को हमने इधर कर दिया, जो 3 मल्टीप्लाई में था वहां डिवाइड कर लिया। मतलब इसे मैं कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। और आप पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये आपको पता होगा, ठीक है, इतनी बातें। इसके बाद हमने यू की वैल्यू निकालने के बाद हम इसे कहाँ पुट कर दिया, सेकेंड में पुट कर दिया, सेकेंड में पुट कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें लाइन वाइज है ना, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये सब लाइन वाइज वहां पे अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर जाकर आप इजिली वॉच कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बातें। तो यू की वैल्यू को आप, हमने सेकेंड में पुट किया, तो ये 2 है यहाँ पे, जहाँ यू यू की वैल्यू कितनी, 12 माइनस में 2v अपॉन में 3 पुट कर दिया, प्लस में 3v इक्वल टू में 13, ठीक है, इतनी बातें। हमने क्या किया यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों के एलसीएम नीचे में कितना 3 आएगा, पहले 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 24, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 4v, और इसका एलसीएम लेने में कितना आएगा यहाँ पे 9v इक्वल टू में, ये 13 था, ये 13 है, ठीक है, इतनी बातें। अभी 24 है माइनस का 4v प्लस का 9v, इसको इससे माइनस करेंगे तो 5v होगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 39 हो गया, ठीक है, इतनी बातें। अब यहाँ पे देखेंगे ये 5v है, 24 को इधर माइनस करने में कितना 15 आएगा, अब 5 से ये 15 कैंसिल होने पे 3 हो गया, तो v की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब इस v की वैल्यू 3 को आप या तो फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दे, या आप यहाँ पे पुट कर दे, मर्जी आपकी, जहाँ पुट करना चाहते हैं वहाँ पुट कर दे, ठीक है, इतनी बातें। अगर आप इसको थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या, इससे आप पुट कहाँ कर रहे हैं, पुट इन थर्ड, ठीक है ना। यहाँ पुट करने से एक फायदा है कि हमारा डायरेक्टली यू के फॉर्म में, या वी पुट करेंगे हमारा डायरेक्टली यू आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये 12 है माइनस में, यहाँ पे वी की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 2 से कितना होगा 6, डिवाइड में हमारा 3 है, माइनस करने में 6, 6 को 3 से डिवाइड करने में कितना 2 आएगा, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, इतनी बात है। बट आपको यू वी नहीं निकालना था, आपको निकालना है इस क्वेश्चन का एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यू वी निकल जाने के बाद हमें पता है कि 1/x को हमने यू माना है, तो 1/x हमारा क्या है, यू है, ठीक है। यू की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, तो 1/x, जहां पे u वहां पे 2 पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। 1/y की वैल्यू v है, v की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 3, 3 यहाँ पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। सिंपल है, मुश्किल की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या, 2 ओपन में रूट एक्स है प्लस में 3 ओपन में रूट वाई इक्वल टू में 2 है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ओपन में रूट एक्स है तो 2 इंटू में 1/√x, ठीक है, और फिर प्लस में 3 इंटू में 1/√y है ना इक्वल टू में 2। बात देखिए, 2 × 2 यही आ जाएगा, और 1/√x को हमने क्या मान लिया, यू, और 1/√y को हमने क्या मान लिया, 1/√x को हमने मान लिया यू, 1/√y को हमने मान लिया वी, ठीक है ना। जब इसको यू माना तो यहाँ कितना आएगा, 2 तुम्हारा है, इसकी वैल्यू को हमने यू माना है तो यहाँ पे यू आ गया, फिर प्लस 3, और 1/√y को हमने क्या माना है, वी, तो यहाँ पे वी आ गया, इक्वल टू में कितना हमारा है, इक्वल टू में 2 है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे किया, 1/√x को हमने यू मान लिया, 1/√y को हमने वी मान लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2u प्लस में कितना आएगा, 3v इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, 1/√x को यू माना तो 4u हो जाएगा, फिर माइनस है 9 हमारा है, और 1/√y को हमने वी माना तो 9v हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 1 हो गया, ठीक है। इसे क्वेश्चन 1 मान लिया, इसे हमने 2 मान लिया, ठीक है ना। हम लिखा फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जब फर्स्ट से हम काम यहाँ पे कर रहे हैं तो 2u प्लस में 3v इक्वल टू में 2 है, यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाल ली, 3v को इधर माइनस किया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे, इसे पुट कर दिया हमने सेकंड में,
सेकेंड में पुट करेंगे तो ये हमारा क्या फोर है, जहाँ पे यू यू की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, फिर माइनस में ये 9 भी इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, और इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4 हो जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें -6v माइनस का 9v इक्वल टू -1, इसको इससे -9 6v -9v माइनस का 15, 4 को इधर करेंगे तो -4 -1 माइनस का 5 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसिल कर दे, ये 5 से 15 कैंसिल कितना होगा यहाँ पे 3, तो वी की वैल्यू कितनी होगी 1/3, ठीक है। इतनी बातें, वी की वैल्यू 1/3 को आप पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान ले, और यहाँ पे लिख देंगे पुट इन थर्ड, इसको कहाँ पुट कर रहे हैं आप, पुट इन थर्ड, ठीक है ना। आप इसे थर्ड में पुट कर रहे हैं, मर्जी आपकी है, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। थर्ड में आप पुट करेंगे तो ये 2 माइनस में 3, वी की वैल्यू कितनी 1/3 आ गया, यहाँ पे डिवाइड में 2 था 2 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 1/2 मीन्स 1/2। यू की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब देखिए 1/√x की वैल्यू कितनी है हमारे को, यू 1/√x, यू की वैल्यू कितना निकला हमारा 1/2 निकला है, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने में √x की वैल्यू 2 होगा, और रूट इधर आने में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू में कितना का 2 का स्क्वायर, रूट को इधर करने में कितना होता है स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो x 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया। अब हमारा 1/√y की वैल्यू कितनी है v, तो v की वैल्यू कितनी है हमारे 1/3 है, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √y इक्वल टू में 3, अब रूट इधर आने में कितना स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इट्स योर आंसर, ठीक है। इतनी बातें, इसके बाद हम देखेंगे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 4/x 3y इक्वल टू 14 है, फिर ये गिवन आपका है ना। अब यहाँ पे देखें कि हमने देखा यहाँ पे कि इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स जो हमारा वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स और वाई है, बट वाई जो वेरिएबल है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे है, बट एक्स हमारा प्रॉपर प्लेस पे नहीं था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया 4 × 1x प्लस में 3y इक्वल टू 14, 3/x को 3 × 1x माइनस का 4y दिस, है ना। सिर्फ 1/x हमारा प्रॉपर प्लेस में नहीं था, एक्स हमारा प्रॉपर प्लेस में नहीं था, 1/x को हमने यू मान लिया, ठीक है। तो जहाँ पर 4 है यहाँ पे 1/x, वहाँ पर यू हो गया, ये 3y इक्वल टू 14, यहाँ पे y को v क्यों नहीं माना, कि y तो हमारा प्रॉपर प्लेस पे है ना, इसलिए हमने इसको नहीं माना, ठीक है। यहाँ पे कितना का 3u हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू में 23, इसे फर्स्ट सेकंड माना, हमने फ्रॉम फर्स्ट लिया, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, u की वैल्यू निकाली, मैंने 3y को इधर किया माइनस का 3y, जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया, बस समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, सेकंड में पुट कर दिया, सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ पे यू है, यू के प्लेस में कितना का 14 माइनस में 3y/4, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 14 माइनस 3/4 माइनस का 4y इक्वल टू में 23 था आपका। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे में एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 42 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, इसका एलसीएम लेना 16y हो गया इक्वल टू 23 हो गया, ये 42 इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 25, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 92 होगा, ठीक है। इतनी बातें, 42 को इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92 में से 42 को माइनस करने में 50 आएगा, बस समझ में आई। -25 से ये 50 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, कितना ये माइनस का 2 हो जाएगा, बात समझ में आपको आ रही है। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2, ठीक है ना। इस वाई की वैल्यू को -2 को कहाँ पुट कर दें आप, यहाँ पे पुट कर दें, इसको थर्ड मान लीजिए आप, इसमें पुट कर दिए, पुट इन थर्ड, ठीक है। थर्ड पुट करते 14 माइनस में 3y/4 है, कितना आ गया 14 माइनस में 3y की वैल्यू -2/4, ठीक है ना। तो 14 इसको माइनस माइनस प्लस में 6 हो गया, ऐड कर 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 5, तो u की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। x y की वैल्यू तो हमारे को डायरेक्ट मिल चुका है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात है, और यहाँ पे u की वैल्यू 5 हो गई, बट हमने 1/x को u माना था, तो 1/x u हो गया, u की वैल्यू कितनी है 5, तो 1/x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले पेज को नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन करने के बाद देन यू हैव टू नोट दिस वन, ठीक है। इस वाले पेज को आप नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर पार्ट में क्या लिखा हुआ, 5/x-1, 1/y-2=2 है, फिर ये क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने देखा कि x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/x-1 दिस इक्वल टू में 2, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 1/x-1 -3 × 1/y-2 इक्वल टू 1, 1/x-1 यहाँ भी है, 1/x-1 यहाँ भी है, 1/x-y-2 यहाँ भी है, 1/y-2 यहाँ भी है। तो 1/x-1 को u मान लिया हमने, 1/y-2 को हमने v मान लिया, दोनों जगह इक्वल है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये 5 है, इसकी वैल्यू को हमने u माना था 5 ही हो गया, इसकी वैल्यू को हमने v माना था यहाँ v हो गया इक्वल टू में 2। सिमिलरली यहाँ पे इसको हमने u माना था तो 6u, इसको v माना तो -3v इक्वल टू में 1, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट मैं फ्रॉम फर्स्ट लेके चल रहा हूँ, फ्रॉम 2 भी लेके चल सकते हैं। फ्रॉम 2 लेके चलेंगे तो जो u की वैल्यू आएगी फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी फ्रॉम फर्स्ट लेके चल रहे हैं तो जो u की वैल्यू आ रही है उसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं, सेकंड में पुट कर रहे हैं। हम यहाँ से u निकाल लें, आप यहाँ से v भी निकाल सकते हैं, डिपेंड
टाइप के करता है, ये सारी चीजें पीछे बताई जा चुकी है, ठीक है ना। अभी इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो फास्ट इसलिए रख रहा हूँ मैं, फास्ट रखने की वजह यही है कि सारी चीजें बताई जा चुकी है, ठीक है ना। मेन तो समझना ये था, ये वाला पार्ट, ये तो आप कर सकते हैं यहाँ खुद से। यू की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो यू की वैल्यू पुट करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद वी की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 1/3, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे हुआ आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो वी की वैल्यू 1/3 को आप यहाँ पुट कर लें, ठीक है ना। पुट इन थर्ड, मेंशन कर दे पुट इन थर्ड, ठीक है, इसको थर्ड मान ले। अब इसमें पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 1/3 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 1/3 माइनस 5/ कितना हो गया 15, इससे कैंसिल कितना 3, तो कितना हो गया 1/3, है ना। अब यू की वैल्यू कितनी है हमारे को, यू की वैल्यू है 1 अपॉन x-1, तो 1 अपॉन x-1 यू, यू हमारा क्या 1/3 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इतना आया, -1 इधर आने पे कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में y-2 वी है, ठीक है ना। तो वी की वैल्यू हमारे को कितनी निकली थी, वी की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पे कितना 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, है ना, वाई की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू नोट दिस वन, इस स्पेस को नोट कर लें। इससे नोट करने के बाद आपको फिर नोट करना है दिस वन, ठीक है। इतनी बातें इसके बाद देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है ना, इसको केयरफुली समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 7y-2y/xy है इक्वल टू में 5 है, फिर 8x+7y/xy=15 है। अब ये तो बात देख के समझ में आ गया कि हमारा लीनियर फॉर्म में नहीं है, इस वाले फॉर्म में नहीं, ax+by+c=0 के फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। तो इससे हमें इस फॉर्म में लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने देखा कि 7x/xy इसको मैंने इससे अलग कर लिया, और 2y को इससे हमने अलग कर लिया, 5 है। अब यहाँ पे आप खुद देखें कि ये x से x कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 7y-2x=5 हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ सेपरेट किया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, तो 8y/7x=15, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम एक्चुअली क्या होता है ना कि x वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, इसलिए -2 अपॉन x को हमने पहले यहाँ लिख दिया, -2 को बाहर कर दिया, यहाँ पे 1 अपॉन x कर दिया, फिर प्लस है 7 अपॉन y है, तो 7 × 1/y करते हैं, इक्वल टू में 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली फिर x वाले पार्ट को मैंने पहले यहाँ लिखा 7 × 1/x, प्लस में क्या लिखा हमने 8 × 1/y=15। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं, सिर्फ हमने अरेंज किया है, ठीक है। 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है, 1/x को हमने a मान लिया। अभी इससे पहले मैं यू वी मान रहा था, यहाँ पे ए बी मान लिया, मर्जी आपकी, कुछ भी मान सकते हैं, यू वी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ए मान लिया, इससे बी मान लिया, तो यहाँ कितना -2a हो जाएगा, प्लस में 7b=5 हो गया, फिर यहाँ पे 7a हो जाएगा, प्लस में 8b=15। सेम काम किया फ्रॉम फर्स्ट लिया, यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू ना निकाल कर हमने b निकाल ली, मर्जी आप a भी निकाल सकते हो, हमने b की वैल्यू निकाली, इस b की वैल्यू को पुट कर दिया क्या सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर 7a है, प्लस में 8, जहाँ पर b की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, =15। हमने इसके बाद यहाँ पे क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 49 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया 40+16, यहाँ पे 7 डिवाइड में 7 को यहाँ मल्टीप्लाई दिस, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने में कितना गया दिस, प्लस में 40, 40 को तो माइनस किया, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे तो 65 हो गया, 65 से 65 कैंसिल, a की वैल्यू 1 को पुट कर दो इसमें थर्ड में, यहाँ लिख दो इसे थर्ड, पुट कर दो किस में थर्ड में, पुट इन थर्ड, थर्ड में आप पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, यहाँ a पुट करेंगे तो कितना 1 है, तो 5+2 कितना का 7/7 कितना 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू भी हमारे को 1 हो गई, है ना। अब a हमारा क्या है, 1/x है, तो 1/x हमारा a है, तो ये हमारा 1, तो x की वैल्यू भी 1 हो गया और y की वैल्यू भी 1 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस वाले पेज को दोनों को नोट कर लीजिए, इसे नोट डाउन करने के बाद देन यू हैव टू नोट दिस वन, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फर्स्ट का सिक्स पार्ट, फर्स्ट के सिक्स पार्ट में क्या है, देखो जो हमने फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट इस टाइप से किया था ना, इसी टाइप से आपका ये सिक्स वाला पार्ट भी है, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है, जो एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई में उसको हम यहाँ पे डिवाइड में कर दिए, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं, एक्स वाई जो मल्टीप्लाई में था हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। फिर इसको मैंने इससे अलग कर लिया, इसको इससे अलग कर लिया, फिर ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 6y हो गया, 6 अपॉन y हो गया, +3 अपॉन x=6, सेम कंडीशन हमने यहाँ लगा दिया, एक्स वाई को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से वाई कैंसिल, 2 अपॉन y, यहाँ 4 अपॉन x बचा, सेम एक्स वाले पार्ट को पहले लिख दिया यहाँ पे और वाई वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, और जो ऐसा था 3x 3/x था 3 × 1/x कर दिया, सेम चीज हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को b मान लिया। इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आता है आराम से खुद से सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपको 1 आ गई, बी की वैल्यू 1/2 आ गई, सॉल्व करने के बाद फिर आपको उसके बाद यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, एक्स की 1/x हमारा ए था तो एक्स वैल्यू निकल गई, 1/y हमारा बी था, हमारे वाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, उससे नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है। इतनी बातें
इसके बाद हम देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट, फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट। तो फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट में क्या है, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई है प्लस में टू अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू में फोर है। फिर ये हमारा हो गया, देखा हमने एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। ये टेन को हमने ऐसे लिया, टेन इंटू में क्या करते हैं वन अपन एक्स प्लस वाई, टू इंटू में वन अपन एक्स माइनस वाई इक्वल टू में फोर, फिर फिफ्टीन इंटू में क्या वन अपन एक्स प्लस वाई, और फिर फाइव इंटू में कितना वन अपन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। तो वन अपन एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, वन अपन एक्स माइनस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है। तो वन अपन एक्स प्लस वाई को ए मान लिया, वन अपन एक्स माइनस वाई को हमने बी मान लिया, ठीक है। इतनी बातें, यहाँ कितना का टेन ए हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे कितना का टू बी हो जाएगा, इसकी वैल्यू बी है, फिर इक्वल टू में फोर है, इसकी वैल्यू ए, तो फिफ्टीन ए हो जाएगा माइनस में फाइव बी इक्वल टू में कितना माइनस का टू, ठीक है। इतनी बातें, अभी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इसमें से हमने क्या कर लिया, टू को कॉमन निकल, टू कॉमन निकालने से ये कैंसिल होने पर कितना आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तो फाइव ए प्लस बी इक्वल टू में टू हो गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन टू है, हमने फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन से काम किया, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू को हमने यहाँ सेकंड में पुट कर दिया, सेकंड में पुट करने के बाद ए की वैल्यू हमारे को वन बाई फाइव हो गया, इसको पुट कर दिया हमने थर्ड में, पुट इन थर्ड, ठीक है। इतनी बातें, थर्ड में पुट कर दिया और हमें थर्ड किसको मान लिया, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। इतनी बातें, थर्ड में पुट करने के बाद आपको बी की वैल्यू निकल गई। अब बताएं ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा क्या है वन अपन में एक्स प्लस वाई है, ए हमारा कितना निकला है, ए की वैल्यू आई हमारे को, वेयर इज ए, ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ वन बाई फाइव है, ठीक है ना। तो हमने वन बाई फाइव लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स प्लस फाइव इक्वल टू में एक्स प्लस वाई इक्वल टू में फाइव हो गया, और यहाँ पे बी की वैल्यू वन है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई इक्वल टू में कितना आ गया, वन आ गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आप एट कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, इसमें और जो पीछे किया उसमें क्या डिफरेंस है, पीछे में वन अपन एक्स इक्वल टू में ए था, ए की वैल्यू पुट करने में डायरेक्टली एक्स की वैल्यू आ रही थी और वाई की वैल्यू आ रही थी। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए थे आप, ए बी जो भी था, वन बाई एक्स को ए माना था, वन बाई वाई को बी माना था, या वन बाई रूट एक्स को यू माना था, वन बाई रूट वाई को वी माना था, वहां पे डायरेक्टली वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे क्या है कि वन अपन एक्स प्लस वाई को ए माना, वन अपन एक्स माइनस वाई को बी मानने के बाद इसकी वैल्यू पुट करने के बाद भी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पे एक हमारा एक लीनियर इक्वेशन, फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ से फिर से एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने के लिए हमारा इससे इक्वेशन थर्ड मान लिया, इससे फोर्थ मान लिया, ठीक है ना। और इसे हमने क्या कर लिया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। हमने देखा प्लस का वाई है या माइनस का वाई है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, आपको एक्स प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे टू एक्स, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 कितना 6, ये 2 से ये 6 कैंसिल होने पे x की वैल्यू कितनी 3 हो गई, और x x की वैल्यू 3 को हमने कहां पुट कर दिया, हमने थर्ड में पुट कर दिया, ठीक है। थर्ड में पुट कर दिया यहां पे x के प्लस पे प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, इट्स योर आंसर। इसे आप आराम से नोट डाउन कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का एट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट के एट पार्ट में क्या गिवन है, वन अपन थ्री एक्स प्लस वाई है, वन अपन थ्री एक्स माइनस वाई है, थ्री बाई फोर है, फिर ये हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। हमने देखा कि थ्री एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, थ्री एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, थ्री एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, थ्री एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वन अप थ्री एक्स प्लस वाई को ए मान लेंगे, वन अपन में थ्री एक्स माइनस वाई को बी मान लेंगे, ठीक है। ये टू है लेकिन ये ब्रैकेट में, इस पूरे को हमने ए माना है, टू को नहीं, इस पूरे को हमने बी माना, ठीक है ना। जो दोनों में कॉमन है वो क्या हमारा, वन अपन एक्स प्लस वाई, वन अपन में थ्री एक्स प्लस वाई है, और फिर वन अपन में थ्री एक्स माइनस का वाई है, दोनों में कॉमन, ठीक है। इसको ए बी मान लिया, तो यहाँ पर इस पूरे के प्लस पे कितना आएगा, ए आएगा, इस पूरे के प्लस पे कितना आएगा, बी आएगा, फिर क्या हमारा थ्री बाई फोर है। ये वन बाई टू तो हमारा है पहले से, वन बाई टू तो हमारा पहले से है, इस पूरे को हमने क्या माना है, इस पूरे को हमने ए माना है, तो इस पूरे के माने ए माना तो कितना आएगा, ए अपन में टू आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, इस पूरे को हमने बी माना, तो ये टू तो डिवाइड में हमारा, तो बी अपन में कितना हो जाएगा टू, इस पूरे के प्लस में बी आ जाएगा, फिर डिवाइड में क्या है टू है, फिर इक्वल टू में कितना हमारा माइनस का वन बाई एट है। इन दोनों के ऐसे हम लेंगे तो ए माइनस बी अपॉन में टू, ठीक है ना। ये टू से ये फोर कैंसिल हो, एट कैंसिल होने पे कितना फोर, ए माइनस बी इक्वल टू में माइनस का वन बाई फोर। ये देखा प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, दोनों इक्वल है, साइन चेंज है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए प्लस ए कितना होगा टू ए, माइनस प्लस बी माइनस बी कैंसिल, थ्री बाई फोर, फिर माइनस कितना आ जाएगा वन बाई फोर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना टू बाई फोर होगा, ठीक है। तो टू ए कितना हो गया टू बाई फोर हो गया, तो इसे कैंसिल होने पे कितना टू हो गया, टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू वन बाई फोर हो गया। इसको हमने पुट कर दिया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट करने पे जहाँ ए है वहाँ पर वन बाई फोर प्लस बी अपॉन थ्री बाई फोर, इसको इधर माइनस किया तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू, ए की वैल्यू वन बाई फोर, बी की वैल्यू वन बाई टू। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या है, ए हमारा वन अपन में थ्री एक्स प्लस वाई है, तो वन अपन थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू में ए है, ए की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने वन बाई फोर, वन बाई फोर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये हो गया, ठीक है ना। वन अपन थ्री एक्स माइनस वाई को बी माना है, बी हमारा आया है वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इतना हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस का वाई है माइनस का वाई है, थ्री और फोर इक्वेशन मान लिया हमने, तीनों को ऑड ऐड किया तो थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कितना है सिक्स एक्स, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, फोर प्लस टू कितना सिक्स, ये कैंसिल होने पर एक्स की वैल्यू वन हो गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू वन को हमने कहाँ पुट कर दिया, थ्री में पुट कर दिया, यहाँ पुट करेंगे थ्री होगा, थ्री को इधर करने में कितना हो जाएगा माइनस का थ्री, फोर माइनस थ्री कितना वन, तो एक्स की वैल्यू वन हो गया, वाई की वैल्यू वन, सो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, एक्स वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन,
ठीक है, इतनी बातें तो आज के लिए इतना ही। अब एक बात याद रखेंगे, जो कमिंग वीडियो है, कमिंग वीडियो में मैं इसका वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा, और इसका वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जामिनेशन में बहुत चांसेस, मोर देन 95% चांसेस ये होते हैं कि इसमें से, इसका जो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट गिवे हैं, उन तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो सारे तीन थ्री जो क्वेश्चन है, वो तीन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 3 पार्ट है, वो तीनों आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं कमिंग वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ठीक है, इतनी बातें। और डियर, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दिया करें, खुद भी पढ़ें, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ने का मौका दे, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब खुद नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से क्लास 10th के कंप्लीट वीडियोज आपको अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, डे बाई डे सारे वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है, इतनी बातें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।